उत्तर प्रदेश की हाथरस में हुई घटना के विरोध में कांग्रेस के SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष रामलाल अहिरवारंग, नेता रमेश तिवारी, मूलचंद कबीरपंथी आदि ने शासन प्रशासन को चूड़िया भेंट कर घटना का विरोध जताया। जाति के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र चौधरी जी के निर्देश पर आज हमारे अनुसूचित जाति के नेता भाई सौदान सिंह यादव जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष जी यादव जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष जी भाई रामलाल जी जो कि काफ़ी सक्रिय हैं और आज जो चूड़ियां भेंट कर रहे हैं उसका तात्पर्य यह है कि जो हाथरस में जो घटना हुई थी मनीषा वाल्मीकि जी उसके बारे में शासन प्रशासन ने जो रवैया जो अपनाया जा रहा है वो गलत है। उसके विरोध में सांसद विधायक हों चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों विरोध के तौर पर चूड़ियां भेंट के संबंध में यहाँ जो ज्ञापन दिया गया है और उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। मैं जानता हूँ कि अनुसूचित जाति ही नहीं सभी जातियों द्वारा इस कांड की बहुत भर्त्सना की जा रही है। इसके लिए इन्होंने आज जो चूड़ियाँ भेंट की हैं और इसलिए यहाँ सब आए थे। तो आगे भी यदि शासन प्रशासन नहीं जागता तो अनुसूचित जाति के वर्ग के साथ हम सभी लोग इस तरह की जो निंदनीय घटना होंगी उनके पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे सड़क पर उतर करें, चाहे संसद में हमारी कांग्रेस पार्टी करे या विपक्षी दल करे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों के साथ जो रवैया उत्तर प्रदेश में अपनाया हुआ है जो दूर निंदनीय है, महात्मा गांधी के देश में, बाबा साहब अम्बेडकर के देश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं हो।